Another beautiful day in Makkah, and today we have decided to visit Taif shopping malls and everything, and we had a lovely time in Haram and we went to Taif. It's about like 1.5 hour journey, and visited Judaf Park. My kids loved it, and we had a lovely dinner as well with a beef burger and ice cream in the end as well. Hello guys, aaj hamara safar Taif ka hai और ताइफ के लिए हम जा रहे हैं। वेदर इज़ लवली। असर का के बाद अब हमने डिसाइड, गर्मी बहुत है गाड़ी में और वैसे भी बाहर, तो गाड़ी में आपको दिखाते हैं कि कितनी गर्मी है। ठीक ठाक यहाँ पे गर्मी होती है और अभी भी 34-35 डिग्रीज है और गाड़ी ठीक ठाक गर्म, ओए हो ठीक ठाक गर्म है। तो सी यू इन ताइफ गाइस। यूजुअल मैंने पिक करना था अपनी फैमिली को इब्राहिम अल खलील रोड से, और एक घंटा तकरीबन सफ़र था हमारा ताइफ का। इट वाज अ लवली जर्नी। बहुत अच्छा वेदर एज यूजुअल, सुपर ड्राई एंड ट्रैफिक इतनी थी भी नहीं। एक घंटे के खूबसूरत जर्नी के बाद, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ पहाड़ मिलेंगे, हम फाइनली मगरिब के टाइम अल रुदाफ पार्क पहुँचे और अल रुदाफ पार्क में पार्क किया। जी गाइस, मक्का 34 डिग्री था और इधर 18 डिग्री है, 17 डिग्री, और बहुत फ़र्क है, आधा टेम्परेचर नीचे गिर गया है। ये है ताइफ। ताइफ बहुत ज़्यादा ठंडा यहाँ का सऊदी अरब के ये इलाका है, और ये हम अल रुदाफ पार्क में आए हैं। बड़ा खूबसूरत पार्क है ये, नाइट लाइफ ज़बरदस्त, और जगह जगह वॉशरूम है, हर फैसिलिटीज़ है, खाना पीना ये वो हर चीज़ आपको मिलेगी। अभी आगे मज़ीद जा रहे हैं हम, और बहुत ज़बरदस्त ये सारा सिटी है ताइफ। मस्ट वॉच इफ़ यू आर इन मक्का। वेलकम टू अल रुदाफ पार्क ताइफ में। 18 डिग्रीज इस टाइम, और मक्का में 34 डिग्री था, हाफ टेम्परेचर का डिफरेंस है। और ये अल रुदाफ पार्क, वन ऑफ द टॉप पार्क इन ताइफ, और इस टाइम हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज इक्विपमेंट देखने के लिए जा रहे हैं। वेरी गुड फैसिलिटीज इन ताइफ, बच्चों के लिए भी, सबके लिए। भाई को जफ्फी डाल लो, भाई को जफ्फी डाल लो, ये जफ्फी डाल ली, ये जफ्फिया डाल रही है, ये हंस रही है, ये तो हंस रही है, ये तो जफ्फिया डाल रही है। अल रुदाफ पार्क आई है ताइफ में, हंस रही है। बस 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 बस, ये कहाँ कर ली है, ये देखे जी, ये इंजॉयमेंट हो रहा है, ये इंजॉयमेंट अल रुदाफ पार्क। वाह जी वाह, माई किड्स लव दैट पार्क एंड वी हैड अ लवली टाइम एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल, आई लव रुदाफ बोर्ड एज वेल। ये देते माय बोबा आ गया, माय बोबा, ये वाह जी वाह। आरिश आ गया, आरिश आ गया, मेरा आरिश आ गया, आरिश आ गया, मेरा बेबी आ गया, मेरा बेबी आ गया, ओ बेबी आ गया, मेरा बेबी आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ये मेरी बॉबी आ गई, मेरी बॉबी आ गई, अब मेरी बॉबी आ गई, आ गया, आ गई, आलिश भी आ गया। वो देखो दूसरी वाली, इधर आओ दूसरी वाली देखे। आलिश आया, ये। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द शॉपिंग मॉल ऑफ थाइफ। जी पांडा में हूँ मैं इस टाइम ताइफ के, और यहाँ में नगेट्स देख रहे हैं,
फ्रोजन देख रहे हैं, बहुत बहुत महंगा यहाँ पे आपको नगेट मिलेगा और बहुत महंगा आपको यहाँ पे फ्रोजन काफ़ी ज़्यादा महंगा है और लैम ख़ास तौर पे काफ़ी महंगा है। 80-80 रियाल में आपको छोटा छोटी डिशेस होटल में मिलती हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब आप यहाँ आएँ तो बच्चों के लिए आपने क्या लेना है। खाली चिप्स ही आपको यहाँ पे आप जो काफ़ी महंगे नगेट्स आपको ये देखें 21 रियाल के सिर्फ 6-7 नगेट 21 रियाल के जो तकरीबन हार्डली 4.5 पाउंड बनते हैं, कि 4.5 पाउंड में छोटा सा डब्बा आपको नगेट का मिलेगा और वहाँ पे आपको ठीक ठाक इतने पैसों में नगेट मिल जाते हैं। देखें पांडा में, हाइपर पांडा में हूँ और सारा सामान है फ्रोज़न, लेकिन वेरी एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू यूरोप, इंग्लैंड ख़ास तौर पे। ताइफ में आज सारा दिन गुजारा और बड़ा अच्छा दिन रहा और अब रात का टाइम है 2 बजे और मैंने सोचा क्यों ना हरम में थोड़ी देर टाइम गुजारा जाए और फजर तक और यहाँ पे इबादत की जाए। बहुत क्वाइट है, दिसंबर मिड ऑफ दिसंबर में बिल्कुल क्वाइट चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेट नाइट तो ऑफ किया जा रहा है, वो अभी ख़त्म किया मैंने और आपको दिखाते हैं मेरे बिल्कुल बैक साइड पे खाना काबा और नीचे नहीं जाने दे रहे। अगर आपने उम्रे का नियत नहीं की और आपने अहराम नहीं बांधा तो ये अभी उन निचले फ्लोर में नहीं जाने देते, जो एक किस्म का पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है कि हर कोई नहीं नीचे जा सकता, पॉजिटिव ये है कि उम्रे वाले आराम से उम्रा कर सकते हैं और उनको कोई धक्कम पेल का ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो आपको दिखाते हैं नीचे,